अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग अपना। सुबह का वक्त है, मैं इधर आ गया इनको सुबह का दाना डालने के लिए। वैसे दाना है, मैं रात को ना सबको दाना डाल के गया था। ये देखिए, पता नहीं इनको क्या हुआ, ये मोर को ये कूद रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या कर होगा इनको। इसकी चोंच पे ना जरा थोड़ी सी चोट भी लग गई, इसने शायद जाली पे मारी होगी ना चोंच, तो इस वजह से इसकी चोट जो चोंच है ना उस पर थोड़ी सी चोट लगी है वाइट वाले के, शायद आपको दिख भी रहा हो। ये देखें, शायद ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। और ये हमारी डव, इनके लिए भी घोंसला आज मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। इनका जो नेस्ट मटेरियल है ना, नेस्ट मटेरियल वो लेके आऊँगा। फिंचिस भी ठीक है माशाल्लाह से, फिंचिस के लिए भी नेस्ट मटेरियल लेके आ रहे हैं और डव के लिए भी, बाकी इन पिजन्स के लिए भी लेके आना। वैसे तो इन पिजन्स के लिए भी नहीं है मेरे पास, और बजीज के लिए तो वैसे ही लेके आना है। इनके लिए वो मटकियाँ होती हैं वो लेके आनी है, और उसके अलावा हाँ मटकियाँ लेके आनी है और थोड़े बजीज और लेके आने हैं, ताकि ये थोड़ी और रौनक हमारे मिनी रूम में पैदा करें। और हमारी डव जो है ये भी माशाल्लाह से ठीक है। दोस्तों मुझे लग रहा है हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है, और नहीं है, मुझे लगा था कि शायद इसने ना अंडा दे दिया, इस तरह ये बैठी हुई थी, लेकिन मैं जैसे हूँ ना तो ये उठ गई है। लेकिन खैर कोई नहीं, उम्मीद है एक से दो दिन में दे देगी। गुड न्यूज़ तो नहीं है अभी तक, अगर हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, अभी तक तो नहीं दिया इसने अंडा। दोस्तों मैंने सुबह का दाना पानी डाल दिया, अभी आराम से मज़े से खाते रहेंगे। मैं फिर अभी थोड़ी देर तक आऊँगा ना, फिर दोबारा इनको देखूँगा, अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो भी इन्हें दे दूँगा, अगर नहीं हुई तो फिर हम अपनी इनकी खैरियत दे दूँगा आपको। अच्छा मुझे ना ये समझ नहीं आ रही है, मोर जो है ना हमारे मोर के बच्चे, ये क्या खाते हैं शौक से? अब अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बताएगा ज़रा, ताकि मैं इनको वही दूँ। दोस्तों शाम की तो वीडियो मैंने बना नहीं सका, मैं घर पे था नहीं, मैं ज़रा अपने सेटअप के लिए ना कुछ नए बर्ड लेने के लिए गया हुआ था, कि कुछ नए बर्ड्स मिल जाएं तो हमारे सेटअप पे और कुछ मिनी जू में और चीज़ें आ जाएं। तो माशाल्लाह से एक चीज़ मिली है, टर्की बर्ड के बच्चे, माशाल्लाह से टर्की बर्ड्स के बच्चे हम ले आए हैं, और अब इनको मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये है टर्की बर्ड का बच्चा, ये थोड़ा भी ढीला लग रहा है क्योंकि गर्मी है ना, ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक वो टर्की बर्ड का बच्चा फिर रहा, ये वाला, ये ऐसा लग रहा है मुर्गी के बच्चे लेकिन टर्की बर्ड का बच्चा, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सेटअप पे बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं इनको दाना पानी डाल दूँ, क्योंकि शाम को तो डाला नहीं मैंने इनको, मैं क्योंकि टर्की बर्ड्स के बच्चे लेने गया हुआ था। इंशाल्लाह इनको दाना डाल के मैं आपसे मिलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इनको फिर खोल दूँ, दरवाज़ा तो खोल दिया मैंने, उम्मीद कर। ये देखें माशाल्लाह से ये फिट हो गया थोड़ा सा, जैसे ये गर्मी से वो हुआ था इसकी तरह डाल लिया, तो ये भी थी जैसे मैंने ला कर छोड़ा है ना, और ये पंखा चलाया है तो थोड़ा इसे कुछ सबर आया, तो ये उठ गया अब चल रहा है, फिर रहा है माशाल्लाह से। दूसरा तो बिल्कुल फिट है, उम्मीद है ये भी साथ बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी ना इनको मोर के बच्चों को भी खोल लूँ, क्योंकि वाइट वाला है ना इसका ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही चोट लगती जा रही है, ऐसा ना ये और ज़ख्मी हो जाए। कोई नहीं, उड़ेंगे तो नहीं खैर इतने ज़्यादा, क्योंकि कमरा बंद है, मैंने मैं खोल दिया, इंशाल्लाह एक दिन बाहर आ जाएंगे तो ये भी खुद ही खुले फिरते रहेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। बाकी तो चूहे तो हमारे चिक्स वगैरह तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। ये हमारा चूहा है, और ये हमारा टर्की बर्ड का चूहा है,
दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ये मुर्गी का चूज़ है, वो टर्की बर्ड का है, और एक टर्की बर्ड का बोल, एक कीरा टर्की बर्ड का और एक कीरा। और माशाल्लाह बाकी कबूतर तो ठीक है, बस ये कबूतरी अंडा दे नहीं पा रही, देखें कब अंडा देती है ये। या इसका इलाज करवाते हैं, कोई अगर तीन है इसका गलत। वैसे ना इनका दाना सारा ख़त्म हो गया था, तो एक ही बार सबका दाना ले आया। ओहो ये छोपर फट गया इसके अंदर, एक मिनट में ये सारी चीज़ें निकाल के ना फिर आपको दिखा। एक छोपर जो फटा हुआ था वो तो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया। बाकी ये हमारा फिंचिस का आ गया, इसे मैं रख दूँगा साइड पे ज़्यादा ना, थोड़ा इनका भी सेटअप करते हैं। और ये हमारी फीड आ गई, ये हमारे चूजों के लिए फीड आ गई। और बाकी अगर किसी और को भी डालनी होगी ना, जैसे मोर के बच्चे हो गए, टर्की बर्ड्स हो गए, उनको भी फीड देते हैं। और ये हमारा दाना आ गया तोतों के लिए, बजीज के लिए। और एक और आपके लोगों को पता चलेगा, एक और आवाज़ तोतों की फैमिली आ जाएगी जल्दी, वो आपको मैं दिखाऊंगा। क्या होता है इसी वीडियो में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में तो आपको दिखाऊंगा, ये उनके लिए भी है। और बाकी ये हमारा दाना है, ये इसके अंदर ही है सारा। अच्छा से मैंने इनको डाल दिया दाना, तो ये फ़ौरन आ गए खाने के लिए, क्योंकि भूखे थे। इनको सुबह का डाला हुआ था, शाम को दाना था नहीं, अभी लाया हूँ तो अब डाला। बाकी मैं इनको भी डाल दूँ, देखे एक मोर का बच्चा निकल आया, इनके पास ऐसे ही, लेकिन अभी ओपन खुलेंगे ना, ओपन खाएंगे, तो इनको भी डाल दिया मैंने दाना। बाकी सबको दाना डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इनको भी डाला तो नहीं, लेकिन सुबह का रखा हुआ था, वही खा रहे इनको बचा हुआ। बाकी मैं आपको अभी इनको दाना डाल के ना फिर प्रॉपर दिखाता हूँ सब कुछ।